फिर से करो इशू। नहीं इशू कहाँ जा रही है? इशू कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है इशू? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉगर धनवी और मैं हूँ स्वाति। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ मटन, तो उसके लिए मैंने ऑयल ले लिया था और खड़ा मसाला मैंने ऐड किया था और फिर मैंने उसमें डाल दिया है मटन। उसे मैं ना ऑयल में फ्राई होने दूंगी, इससे जैसे कि हम इस तरीके से मटन बनाते हैं और उसे सबसे पहले फ्राई करते हैं ना, उसके पीस बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक साइड मैंने मसाला चढ़ा दिया है जिसमें कि मैंने प्याज लिए है और जो रेड मिर्च होती है खड़ी उसे मैंने ले लिया है। और फिर यहाँ पर है ना सिंक में मैंने पानी इकट्ठा करके, जैसे कि जो होल होता है ना जहाँ से पानी निकलता है, वहाँ पर मैंने ना कटोरी को लगा दिया था और फिर मैंने ना पानी देखिए यहाँ पर ऐसे मैंने स्टोर कर लिया था। और फिर मैंने जो इडली का साँचा है ना वो इसमें ना डुबा कर रख दिया था, क्योंकि इसके जो होल होते हैं ना वो है ना बंद हो जाते हैं और फिर उसे साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है। मैं पहले क्या करती थी, जो हमारी निडल होती है ना उससे साफ़ करती थी, जैसे कि एक एक होल में जैसे निडल को डाल डाल के साफ़ करती थी। पर अब है ना मैं क्या करती हूँ, ऐसे पानी में जैसे कि टब हो गया या फिर इस तरीके से मैं पानी स्टोर करके और इसे है ना आधे एक घंटे के लिए रहने देती हूँ। उसके बाद जो हमारा टूथब्रश होता है ना उससे साफ़ करती हूँ, तो इससे है ना बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। आप भी अगर परेशान होते होंगे ना इडली का, जैसे कि होल वगैरह बंद हो जाते हैं, अगर आप साफ़ करने में परेशान होते हो ना, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो मटन को डाला था और उसका पानी ना अच्छे से मैंने सूखने दिया, पूरा ही सूखने दिया था। और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले। तो मसाले में आप देख ही सकते हैं, जैसे कि मैंने रेड मिर्च पाउडर ऐड किया है, हल्दी मिर्ची ऐड किया है और धनिया पाउडर, इसे मैंने बस थोड़ा सा ऐड किया है। और सबसे पहले है ना मटन को मैरिनेट करके रख दिया था, जैसे कि 2 या 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था मैरिनेट करके। और फिर इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला और फिर मैं इसे ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जैसे कि इसे ना 1 मिनट के लिए ही इसमें थोड़ा सा पकने दूँगी, क्योंकि ये है ना मतलब जलने का डर लगता है मसाला अगर ज़्यादा देर तक हम लोग पकाए तो। इसमें क्योंकि ऑयली है और कुछ नहीं है तो ये मसाला जल भी सकता है, जैसे हमने खड़ा पाउडर वाला मसाला डाला है ना, तो ये जल भी सकता है। तो बस इसमें है ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देना है। और आज इस स्टाइल से मैं बनाने वाली हूँ मटन। ये फर्स्ट टाइम मैंने इस टाइप से ट्राई किया है, जब जैसे कि टेस्ट अच्छा लगेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और फिर इसमें नमक डाल के मैं कवर करके रख दूंगी और जैसे इसे ना ऑयल में ही पकने देना है जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए, और फिर इसमें है ना पानी ऐड कर देना है। तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी मटन कैसा बना था। गाइस तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 1 बजे है, तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेती, क्योंकि इशू ना अब जाकर सोई है। इशू पता है 7 साढ़े 7 बजे सो गई थी और उसके बाद उठी 9 बजे, तो फिर अगर वो 9 बजे उठी थी तो फिर तो लेट तो सोएगी ना, क्योंकि पता नहीं शायद वो कभी तो सोती नहीं है, पर आज शायद वो थक गई थी या फिर थोड़ा बाहर से घूम कर आए थे इसलिए उसको नींद आ गई होगी तो वो सो गई थी। और इशू की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है क्योंकि उसे सर्दी हुई है, तो वो थोड़ा परेशान भी कर रही थी। तो अभी मैंने उसे ना विक्स वगैरह लगा दिया है तो वो सो गई। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और आज पता ही आप लोगों को डिनर में क्या बना था। एक मिनट में ट्राईपॉड पर है ना मोबाइल फिक्स कर लेती हूँ, ऐसे बातें करते हैं ना हाथ दुखने लग जाता है। तो मैं आपको ना कल की बात बताती हूँ, कल क्या हुआ था। तो वैसे पता है मैं फेसबुक है ना ज़्यादा नहीं चलाती हूँ, और ज़्यादा मीन्स कि कभी कभी मैं चला लेती हूँ। तो जब मैंने फेसबुक ओपन किया तो उसमें ना नंबर अपडेट का, कॉन्टेक्ट नंबर अपडेट का ऑप्शन आया था, मतलब वो सामने फ्रंट पर शो हो रहा था, तो उसमें कंफर्म करने का और ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा था। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया बट मुझे ऐसा लगा कि वो पूछ रहे कि ये नंबर कंफर्म रखना है नहीं रखना, इस टाइप का। तो मैंने इतना सोचा नहीं, कुछ नहीं और ध्यान ही नहीं दिया, मैंने रीड भी नहीं किया कि उसमें क्या बोल रहा है क्या नहीं, तो मैंने ना उस पर कंफर्म पर क्लिक कर दिया।
तो जैसे ही कंफर्म पर क्लिक किया ना, मेरा नंबर पब्लिक हो गया। पब्लिक हो गया तो उस समय, ये दोपहर की बात है, उस समय तो मुझे कुछ भी ना मैसेज आया ना कॉल है, कुछ भी नहीं आया। बट जब मैं रात को 9:30 या 10 बजे की बात होगी, तो उस समय ना पहले मुझे कॉल आया। तो कॉल आया, एक मिनट ना, तो मुझे ना पहले कॉल आया, तो न्यू नंबर से कॉल आया। तो मैंने फ़ोन उठाया और फिर मतलब ऐसे ही वो मतलब घुमा फिरा के बोल रहा था मेरे से कि अरोमा है क्या। तो मुझे अरोमा तो नाम थोड़ा मतलब ऑड सा लगा, क्योंकि नॉर्मली ऐसे नाम नहीं होते ना। फिर भी मैंने कुछ माइंड नहीं किया, मुझे लग रहा था कि वो किसी ना किसी फ्रॉड का फ़ोन है। तो मैंने कहा नहीं, कोई नहीं रहता, और फ़ोन काट दिया। उसके बाद फिर से नए नए नंबर से फ़ोन आने लगे। तो फिर मैंने सोचा कि नए नंबर से फ़ोन क्यों आ रहे हैं। तो मुझे लगा यार, मतलब इतना डाउट नहीं गया, मुझे लगा हो सकता है कि कोई परेशान कर रहा होगा। और उस समय मेरे हस्बैंड भी नहीं थे। अगर मेरे हस्बैंड रहते हैं ना, तो अगर किसका फ़ोन आया न्यू नंबर से, फर्स्ट टाइम मैंने उठाया और फिर मुझे ऐसा लगा कि फ्रॉड है, तो मैं क्या करती, मेरे हस्बैंड को मोबाइल दे देती हूँ, तो वही बात बात कर लेते हैं, ठीक है। और फिर वो कॉलिंग वगैरह का हो गया, तो मुझे फ़ोन आ ही रहते, तो मैं ना काट रही थी। मैंने कहा इतने रात में पता नहीं स्ट्रेंजर नंबर से फ़ोन आया। फिर व्हाट्सअप खोला, तो व्हाट्सअप में देखा तो मुझे ना इतने सारे मैसेज आ रहे, एक को ब्लॉक कर दी, दूसरे का आ रहा, दूसरों को ब्लॉक कर दी, तीसरे का आ रहा। तो मैं परेशान हो गई, मुझे ना ऐसा लग रहा था यार कि ये हो क्या रहा है, और मुझे कौन इतना परेशान कर रहा है, और कौन है जो इतने मुझे फ़ोन पे फ़ोन, कॉल पे कॉल कर मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं। तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने ब्लॉक करती गई। फिर एक लड़के का मैसेज आया, फिर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा क्या है यार, मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो, मैंने कहा तुम्हारा बिगाड़ा है, क्यों इतना परेशान कर रहे हो, समझ में नहीं आता है क्या। तो इस टाइप का मैंने मैसेज किया। तो बोलता है कि दीदी आप गुस्सा मत हो, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कहा बताओ क्या हो, क्यों हो रहा है ऐसा। तो बोलता है कि आपका नंबर है ना फेसबुक पर पब्लिक हो गया। और जैसे ही मैंने फेसबुक देखा और प्राइवेसी देखी, देखा ना कि फिर तो वो पब्लिक था, फिर पता चल गया मुझे कि यार ये सब कुछ झंझट है ना, बस इसके कारण ही हो रही थी। सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और आप समझ सकते हैं यार कि हमारा नंबर इसके उसके पास जाना, डिस्ट्रीब्यूट होना, लड़कियों का नंबर, कितना प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है ना। और हम जैसे कि आपको पता ही कि लड़के किस टाइप के होते हैं, प्लीज़ आप लोग वॉच कर रहे होंगे वीडियो, तो आप लोग माइंड मत करना, पर आपको भी पता ही होगा यार कि लड़कों का क्या है, किसी का भी नंबर मिल जाए परेशान करना, इस टाइप के वो लोग तो करते हैं ही। तो मैंने फिर क्या किया, वो सिम जो मेरा उसी से मैं व्हाट्सअप चलाती हूँ, और वो मेरी परमानेंट सिम है, जैसे कि बैंक में हो गया किसी में भी हर वही नंबर है। तो मैंने ना अभी उसे ना कुछ दिन के लिए बंद कर दिया है। हाँ, व्हाट्सअप मैंने चालू रखा है। तो मैंने कहा जैसे कि व्हाट्सअप पर अगर फ़ोन वगैरह मैसेज वगैरह आएंगे, तो मैं उसे व्हाट्सअप को भी कुछ दिन के लिए बंद कर दूँगी, क्योंकि वो मेरा परमानेंट नंबर है, तो मैं बंद नहीं कर सकती हूँ। तो सिम को मैंने अभी कुछ दिन के लिए बंद करके रखा है, फिर मैं उसे चालू कर दूंगी। तो ऐसी मेरे साथ हो गई थी प्रॉब्लम, सच में बहुत बड़ी बात थी। और ऐसे कोई किसी का कॉल आता है तो सच में बहुत डर सा लगता है। मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, जैसे कि मैंने बताया ना, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, वो चले गए थे ड्यूटी। तो बस ये सब बातें, ऐसा पता एक बार मेरे साथ और ऐसा हुआ था, गलती से ही हो गया था, बट वो किसी के पास नंबर नहीं गया था उस समय ना, मैंने जल्दी से देख लिया था कि यार ये पब्लिक हो गया, तो मैंने जल्दी से ओनली मी कर दिया था। फिर इस बार ना इतना कुछ ध्यान नहीं गया, क्योंकि मैं इतना कुछ ध्यान ही नहीं दिया था। और फिर बस फिर आए, फिर दूसरे दिन मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, फिर उन्होंने मेरा नंबर हटाया वहाँ से, और फिर अब तो नंबर है ही नहीं उसमें। मैंने पता डाल के रखा था नंबर, और ओनली मी करके रखा था। तो ऐसी बात हुई थी जो मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ, तो आप मुझे बताना, सच में बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि ऐसे परेशान फिर कितने लोग परेशान करते हैं, अच्छा भी नहीं लगता है ना, परेशान हो जाते हैं। तो चलिए अभी मुझे थोड़ा सा और काम करना है, रात के 1 बजे फिर मुझे थोड़ा सा काम करना है। मुझे ना किचन साफ करना है, क्योंकि नॉनवेज बनी थी ना तो गंदी हो जाती है किचन, तो स्मेल आने लग जाती है ना, अच्छा नहीं लगता है।
देखती हूँ अगर इशू नहीं उठेगी तो मतलब मैं साफ कर लूँगी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और बार बार है ना वो उठ भी रही है। अगर वो उठ जाएगी तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि टाइम भी हो गया है। तो चलिए मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो साइड में बेल आइकन बना है उसे भी प्रेस कर लेना। ये बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।